ओके, तो आज का शुरू करते हैं। तो एक समझिए, हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एज्यूम दैट, एज्यूम दैट वी हैव गिवेन एफ एक्स। कोई एफ एक्स हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके। देन ज्यादा नहीं जाना, जैसे मैंने बोला था कि बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, तो उसी तरह। देन एफ एक्स इज सेड टू बी क्या, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इफ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर ये फंक्शन क्या है, जीरो पे कुछ वन दे, दूसरा क्या एफ टी पे क्या करे कुछ, मतलब आपने इवन फंक्शन और ऑड का नाम सुना होगा, दैट इज ए फंक्शन जो इवन फंक्शन हो, ओके। एंड लास्ट वन है कि टी टेंस टू इंफिनिटी पे ये जो फंक्शन एफ टी है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ओके। तो एक एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, एग्जांपल, ओके। आपको मैंने दे दिया एक फंक्शन, कुछ मान लो साइड टी दे, मैंने यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया, ओके। जस्ट हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एज्यूम कर लीजिए लेट इतना है, ठीक है। देन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, ये जा रहे ले लिया, ओके। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया कि शाई इज ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ओके, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बट नॉट, ओके। आपको ये सब छोड़िए, आपको सिंपली बताना है कि इसमें से साई और फाई में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। आप लोग क्विकली कैलकुलेशन करिए, मैं थ्योरी डिस्प्ले कर दे रहा हूं यहाँ पे। थ्योरी मैंने क्या बताया कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है तो उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन क्या है, जीरो पे उस फंक्शन का वैल्यू वन दे दे और वो फंक्शन इवन फंक्शन हो, एंड टी टेंस टू इंफिनिटी पे क्या आ जाए, फंक्शन का वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। तो आप इसको एक बार सोल्व करिए, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, चलो मैं सोल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। आई थिंक थ्योरी हार्ड नहीं लगी होगी, देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, इसके बाद आते हैं, ओके। तो पहला मैं ले लेता हूँ शाई टी, ओके। शाई टी हमारा दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली चेक ही करता हूँ, सामने तो दिया ही है। तो तीनों कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन जीरो पे क्या दे रहा है, ए टू पावर माइनस जीरो वन आ गया, ओके। एंड साइड में फाइव का भी काम कर लेते हैं, फाइव जीरो क्या दे देगा, ए टू पावर जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो बाई टू वन, दोनों पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ओके। अब आते हैं दूसरा कंडीशन पे भी, दूसरा क्या था, इवन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो शाई ऑफ माइनस टी रखते हैं, तो मोडला से तो कोई फर्क पड़ना नहीं, ई टू द पावर, और इधर स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये अगेन आ गया शाई टी, मतलब इवन फंक्शन, ये मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा था, नंबर थ्योरी टाइम, उस टाइम भी बताया था, ओके। और इसमें देखते हैं फाई ऑफ माइनस टी, माइनस टी करेंगे तो ई टू द पावर मोडलस में है, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ओके। तो यहाँ से ए आ गया, तो ए भी इवन फंक्शन हो गया और ये आपका आ गया फाइव टी, तो ए भी इवन फंक्शन हो गया यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड वन, ठीक है, कैलकुलेशन। थर्ड वन क्या था हमारा कि टी टेंस टू इन्फिनिटी पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टी टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ टी क्या हो रहा था, जीरो। अगर ये दोनों यहाँ पे आ गया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और नहीं करेगा तो लिस्ट से बाहर जाएगा। तो दोनों को देखते हैं, लिखिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया, तो शाई ऑफ टी क्या होगा, ए तो ए के पावर माइनस इन्फिनिटी यानी जीरो पे जाएगा, इधर आ जाइए फाइव टी क्या होगा, कब, जब अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ए के पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ए के पावर माइनस इन्फिनिटी बाई टू,
ये भी जीरो पे जाएगा, तो यहाँ तो साई और फाई दोनों सेटिस्फाई कर गया आपका, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिया था, साई और फाई, ठीक है, और मैंने एक कंडीशन बताया था कि इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया, ठीक है। यार फाई टेन सेटिस्फाई ऑल अबव कंडीशन, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, फाई टी एन साइटी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट, ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 59, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया आपको, दो फंक्शन गिवेन था, एक सेकेंड। एक फाइव टी यही मैंने लिया था, साइव टी और ए फाइव टी लिया था, ठीक है। और यहां पे बताना था आपको कि इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब साई आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया, फाई नहीं होगा, ये बोला कि फाई होगा, साई नहीं होगा, ये बोला कि दोनों होगा, ये बोला दोनों नहीं होगा। हमारा क्या आया था, दोनों ट्रू आया था, मतलब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आया था, तो इस केस में ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, थर्ड, ओके। तो मजाक थ्योरी था ना, है स्टैटिक्स का, तो ऐसा क्वेश्चन ये दूसरी बार पूछा हुआ, इससे पहले एक बार शायद 2011 या 12 में पूछा हुआ, इससे पहले नहीं पूछा हुआ, तो मैक्सिमम टू टाइम्स ही पूछा हुआ है। तो अगर आप एग्जाम में आता है तो आपको कंडीशन बस यही रखना था, ये फंक्शन इवन फंक्शन हो, इन्फिनिटी पे जीरो दे और जीरो पे वन दे, तो हम बोलेंगे करेक्टिस्टिक फंक्शन।